يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. दूसरा कौन है
रिश्वत खांदा हो सी, ए हराम खांदा हो सी, ए फाइल देखता ही ना हो सी, जब तक फाइल नाल पांच दस हजार का नोट ना लगा हुए हो बे, ए ना पूरी जिंदगी हराम में जी गुजर गई है, बंदे आधे नहीं मकबूल शाह खा खा के बंदे मोटा की हो जावे बदनी हो ओ खा खा के सूर बच्चा पे आए हजूर भी फरमा दे खा खा के ए ना फेर नु छड़दा हा ना फिरई नु छड़दा हा ना मां जाए नु छड़दा हा ना हमसाए नु छड़दा हा इनु बस दूध मचार चाहिदा हा अज हराम खा खा के सूअर बन के उठ के आए जुम्मे दा दिन ने मैं हक पे अपन दा मेहरबानी करो मेरे समझ में बच कोई ना बैठा होवे या बैठा होवे ता ओदे कदमा विच मैं हाथ रखदा खबरदार कमांदा कल्ला है खांदा गल्ला है फिर कुटी दा कल्ला है अयाशी करेंदा गल्ला रिश्वत तू खाना है खड़ी हो से
पेटी नू जा के दे ओने झोली विच रख के सारे पीरावां नू आखना आओ अब्बा घिन आया है अब्बा घिन आया है ए बेटी होंदी है ओ मैं अज भी जानदा इत्थे कई लोग बैठे हो सन जेड़े पांच पांच साल तू पिओ पुत्र नाल नहीं बुलेदा पुत्र पिओ नाल नहीं बुलेदा पांच साल पिओ भी बर्दाश्त कीती बताए तेरी सोनी दाढ़ी दी कसम पुत्र भी बर्दाश्त कीती बताए एक बेटी है सवेरे कपड़े इस्त्री नहीं से कीते तू लड़ पिया तू चला गया है बेटी सारा दिन रोंदी रह गई है असर मेले आया रोटी खा नाराज ना होवी मैं तेरी मेहमान जितने लोग बैठे हो मेरी चीखो पुकार सुन लो कोई किसी का नहीं मगर बेटियां भूलदियां नहीं जितने पंजा साल पूते बैठे हो जितना अल्लाह तुहानू बराबर दीती है सर हिसाब करके अपने पसंदीदा मौली साहब को चले जाओ आखो बेटी का हिस्सा अलहदा कर पुत्र का अलहदा कर मैं हत्ता नाल दे जाऊं ओ मंजूर शाह मैं तहसील खानेवाल विच दस साल तू एक बीबी का जलसा पिया पढ़ता दस साल तू बहुत वड्डी महफिल करांदी अपने अब्बू दे नां दी वारिस में पुछिया है तू क्यों करानी है आदिए मेरा पिओ मेनू दस बीघे जमीन दे गया मैं दो एकड़ दी जितनी बच्चा दे ओदे नाल महफिल करानी है ताकि बाबे दी रूह राजी होवे मैं के तेनू दस बीघे ते तेरे भीरा उन्हें आखा एक एक मुरब्बा मैंने तेरे तेरे भीरा वाणु मिल जाए उन्हें महफिल कभी नहीं करे मैं कोई शहादत तो नहीं पढ़ रहा जी बस दिल है और जेडे रोंदे बैठे हो मेरी दुआ है रात होवे अर्जुमा है दरूद पढ़ के समाए शायद हजूर तुहानू दीदार करा देवे फरमा देवे मेरा फरमान सुन के रोंदा बैठा वे मैं तेनू दीदार करावण आया बेटियां दे हक ना खाओ इमाम मुहम्मद गजाली किताब बैठे लिख दे क्या लिख दे बैठे बोलो किताब लिख दे बेटे किताब ते किताब लिख दे आपकी कलम दे एक मक्खी बह गई मक्खी आपने कलम रोक दी भाई उतरे लगी हुई है पानी पी लवे आपने कलम रोकी ओ सियाई ओदी शायद पसंदीदा जड़ा है ना जी पानी हो सी वो पीती रह गई जले वो उठ गई आपने किताब लिखन पै गए कुछ दिन बाद मौत आ गई बोलो ना बोलो तुहाडी मर्जी कब्र विच गए गए विच वाला नहीं नकीरों पुठड़े तो हिसाब ना लो ए मेरी मखलूक दा ख्याल करदा ओ शरीफो मैनू दसो जरा मक्खी नू पानी पिला ले अल्लाह अपनी औलादा वास्ते दीन भी इकट्ठा करो दुनिया
ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਔਲਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆ ਨਾ ਦੇਵੇ ਆਖੇ ਅਸਾਂ ਫਕੀਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਅਮੀਰ ਦੀ ਔਲਾਦ ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਰਾਜ਼ੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਾਸਤਾ ਕਰ ਦੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸੀ ਅੱਲਾਹ ਕਬੂਲ ਕਰੇ ਜੀ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਬੀਠਾ ਹੈ ਖਸੂਸਨ ਵਾਰਿਸ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਚ ਕਰਾਈ ਹੈ ਅਬੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਨਾ ਹੱਥ ਹੋਸ਼ਨ ਨਾ ਪੇਰ ਹੋਸ਼ਨ ਤੇ ਰਿੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਸ਼ਨ ਆਕਾ ਏ ਕੌਨ ਫਰਮਾਇਆ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਬੋਲੋ ਬੇਟੀਆਂ ਨੇ ਹੱਕ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਹੈ ਦਿਲ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਉਸ ਬੇਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਕੁਹਾ ਗਈ ਨਾਮੇ ਦਾ ਦੀਨ ਬਚਾ ਗਈ ਨੀਵੇ ਸਮਝੇ ਨੀਵੇ ਸਮਝੇ ਮੈਂ ਦੱਸੇ ਨਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਜ਼ੀ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਖਲੋਗਾ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਕਬਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਪਾਲੇਂਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਿਵੇਂ ਯੂਸੁਫ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫੁੱਫੀ ਰਹੀਲ ਪਾਲਿਆ ਹਾਲੀ ਵੀ ਨੀਵੇ ਸਮਝੇ ਦਾ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਲਕਬ ਹੈ दूसरा लकब है उम्मुल मसाइब तीसरा लकब है फातेह शाम मेरा ख्याल है हुन मैं ना ही खेन लवा और मियां एक और है जेदा ना हजूर ने अपनी बेटी ज़ैनब दे नाम ते रखया ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਬੇਟੀਆਂ ਵੱਡੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਦੂਸਰੀ ਬੀਬੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੁਕਈਆ ਤੀਸਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਕਲਸੂਮ ਚੌਥੀ ਦਾ ਨਾਂ ਫਾਤਿਮਾ ਜਦੋਂ ਅਲੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆਈ ਹੈ ਨਬੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਨਵਾਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਜ਼ੈਨਬ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੈਨਬ ਇਮਰਾਨੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਦੋ ਹਰਫਾਂ ਦਾ ਮਜਮੂਆ ਹੈ ਜ਼ੈਨ ਆਦਿਨ ਜ਼ੀਨਤ ਨੂੰ ਅਬ ਆਦਿਨ ਬਾਪ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ੈਨਬ ਬਾਪ ਕੀ ਜ਼ੀਨਤ ਜ਼ੈਨਬ ਬਾਪ ਕੀ ਜ਼ੀਨਤ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਜ਼ੈਨਬ ਬਾਪ ਕੀ ਜ਼ੀਨਤ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਜ਼ੀਨਤ ਮੇਰੀ ਜ਼ੀਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੀਨਤ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖੀ ਬੈਠਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਚਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰਫ ਬਾਬੇ ਕੀ ਜ਼ੀਨਤ ਨਹੀਂ ਨਾਮੇ ਕੀ ਵੀ ਜ਼ੀਨਤ ਦੀਨ ਕੀ ਵੀ ਜ਼ੀਨਤ ਕੁਰਾਨ ਕੀ ਵੀ ਜ਼ੀਨਤ ਇਸਲਾਮ ਕੀ ਵੀ